ये आदमी पिछले 10 सालों से लोगों के मुक्के खाकर उनका इलाज कर रहा है, पर ये कौन सा अजीब इलाज है भाई, आगे वीडियो में जानेंगे। और एक ऐसी रहस्यमयी झील जहां ना तैरना जानने वाले लोग भी तैरने लगते हैं, पर कैसे? और बियर फलों से बनती है ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि बियर कीड़ों को सड़ा कर भी बनाई जाती है? और क्यों मैकडोनाल्ड ने छोटे बच्चों को गिफ्ट हैम्पर के नाम पर भेज दिए थे कॉन्डोम के पैकेट्स? और जब एक आदमी ने केवल बर्गर के लिए एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था, और नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया कहना कैसे आपको जेल करा सकता है? और एक ऐसा देश जहां हजारों लोग पवित्र आस्था के नाम पर एक साथ इकट्ठे होकर हस्त मैथुन करते हैं। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जो पैसे कमाने के लिए लोगों से मुक्के खाता है? लोगों से मार खाकर पैसे कमाने वाले इस इंसान का नाम है हसन रिजा गने। तुर्की के रहने वाले हसन असल में स्ट्रेस कोच है। ये स्ट्रेस यानी तनाव से गुजरने वाले लोगों को इलाज करते हैं, और खुद की पिटाई करवाना ही इनके इलाज का तरीका है। जी हाँ दोस्तों, ये शख्स अपने मरीजों से खुद की पिटाई करवाता है, और इनका मानना है कि स्ट्रेस में रहने वाले लोग जब इन्हें मारते हैं तो तब उन लोगों का स्ट्रेस कम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हसन रिजा पिछले 10 सालों से लोगों के मुक्के खा रहे हैं। नंबर 19। दोस्तों, यदि आप कहीं भी गहरे पानी में उतरते हैं और अगर आपको तैराकी नहीं आती है तो फिर आपका डूबना तय है, लेकिन इजिप्ट में मौजूद सीवा ओएसिस एक ऐसी जादुई झील है जिसमें उतरने के बावजूद कोई इंसान डूबता नहीं बल्कि पानी की सतह पर ही तैरने लगता है। दरअसल इस पानी में नमक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इस पानी की डेंसिटी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इसमें उतरने वाला कोई भी इंसान डूबता नहीं। सिवा ओएसिस की तरह ही इसराइल के डेड सी में भी कोई इंसान डूबता नहीं है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। दोस्तों, अब तक तो हम यही जानते आ रहे हैं कि बियर फलों से बनती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में कैसे बियर बनाई जाती है जिसका निर्माण कॉकरोच की तरह दिखने वाले एक कीड़े से किया जाता है। कीड़े से बनने वाले इस बियर को इंसेक्ट सौर कहते हैं, और इसे बनाने के लिए इन्हें गर्म पानी में कीड़ों को उबाल कर सड़ाया जाता है, जिसके बाद 3 से 4 दिन के बाद इसका जूस निकाल कर पिया जाता है। नंबर 17। वर्ष 2010 में मैकडोनाल्ड्स ने अपने हैप्पी मील्स के साथ एक ऑफर की शुरुआत की थी, जिसमें बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले हैप्पी मील्स के पैकेट में सरप्राइज खिलौने दिए जाने थे। लेकिन ये ऑफर उस वक्त एक ब्लंडर मिस्टेक साबित हुआ जब मैकडोनाल्ड्स के कर्मचारियों ने हैप्पी मील्स के साथ खिलौने पैक करने के बजाय कॉन्डोम्स पैक कर दिए। इन लोगों ने लगभग 5,000 हैप्पी मील्स के साथ कॉन्डोम्स पैक कर दिए थे, और इन सभी पैकेट्स की डिलीवरी भी हो गई थी। जस्ट इमेजिन, जब बच्चों ने पैकेट में खिलौनों की जगह कॉन्डोम्स देखे होंगे तो तब उनका और खासकर उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा होगा। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 16। दुनिया में इंसानों को टॉर्चर करने के बहुत सारे तरीके मौजूद है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सफेद रंग भी लोगों को टॉर्चर करने का एक तरीका है? टॉर्चर करने के इस अनबिलीवेबल तरीके को व्हाइट टॉर्चर कहते हैं। यह एक प्रकार का साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जिसमें किसी व्यक्ति को सफेद कपड़े पहनाकर सफेद कमरे में रखा जाता है, और इस कमरे में मौजूद सारी चीजें सफेद रंग की होती है। इस कमरे में बंद लोगों को खाना भी सफेद रंग का दिया जाता है। वो कमरा साउंड प्रूफ होता है जिस वजह से उन्हें बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। इस कमरे में लंबे समय तक रहने के बाद लोगों को हेलुसिनेशंस यानी दिमागी भ्रम होने लगता है। वो अपना संतुलन खो बैठते हैं, और साथ ही उन्हें दौरा भी पड़ सकता है। व्हाइट टॉर्चर का उपयोग ईरान के अलावा वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। नंबर 15। असम के बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कामगांव कॉलेज के हॉस्टल के एक स्टूडेंट ने कॉलेज बंद करवाने के लिए एक ऐसा खतरनाक काम किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 16 साल के इस लड़के ने हॉस्टल के पानी में ही जहर मिला दिया क्योंकि ये अपना कॉलेज बंद करवाना चाहता था। इस जहरीले पानी को पीने की वजह से हॉस्टल के 20 स्टूडेंट्स बीमार हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गनीमत रही कि इन सभी की जान बच गई। बाद में जब हॉस्टल मैनेजमेंट ने जहरीले पानी के मामले की तफ्तीश की तो तब जाकर उन्हें इस पूरे कांड का पता चला। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 14। वर्ष 1980 में ग्लेन के ट्रिप नाम के एक शख्स ने एक एयरप्लेन को हाईजैक कर लिया, और बदले में उसने $6,00,000 की मांग की। लेकिन चालाक फ्लाइट अटेंडेंट्स ने इस हाईजैकर की बेवकूफी भांप ली, और फिर उसने इस हाईजैकर को ड्रिंक्स देकर उसके साथ नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया। इस बीच फ्लाइट अटेंडेंट ने चुपके से ड्रिंक में वैलियम दवा मिला दी, जिसे पीने के बाद वो अपने होश हवास खो बैठा। नेगोशिएशन करते करते ये हाईजैकर सिर्फ 3 हैमबर्गर और एयरपोर्ट से जाने के लिए एक कार के बदले ही एयरप्लेन को छोड़ने को राजी हो गया था। नंबर 13। लीच यानी जोंक नाम के इस छोटे से घिनौने जीव के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से जीव के पास 10 पेट, 32 दिमाग, 9 पेयर ऑफ टेस्टिकल्स यानी अंडकोश और 100 से भी ज्यादा दांत होते हैं। एंड गेस व्हाट, इंसान
और सामान्य जीव जंतुओं के मुकाबले सारी चीजें कई गुना ज्यादा होने के बावजूद ये एक लीश ही है। नंबर 12, नॉर्थ कोरिया। ये वो नाम है जिसे सुनते ही आपको भी अंदाजा हो जाता होगा कि अब हम आपको इस देश के किसी अजीबोगरीब कानून के बारे में ही बताएंगे। हाँ, तो इस देश का एक और अजीबोगरीब कानून ये है कि नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया को नॉर्थ कोरिया बुलाना गैर कानूनी है। अगर आपको नॉर्थ कोरिया में जिंदा रहना है तो फिर आपको इस देश को सिर्फ कोरिया कहकर बुलाना होगा। अगर गलती से भी आपने कोरिया से पहले नॉर्थ बोल दिया तो फिर किम जोंग आपको ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ छोड़कर सीधे ऊपर ही भेज देगा। नंबर 11, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एंशियंट इजिप्ट के लोगों के बीच मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन एक पवित्र रीति रिवाज हुआ करता था। इस काम को पवित्र परंपरा मानते हुए यहाँ मास मास्टरबेशन सेमिनी का आयोजन किया जाता था, जिसमें एक जगह पर बहुत सारे पुरुष जमा होकर एक साथ मास्टरबेशन किया करते थे। इन लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा करने से उनकी धरती पर खुशहाली आती है। एंशियंट इजिप्टियन माइथोलॉजी के अनुसार यूनिवर्स का निर्माण भी एटम गॉड के मास्टरबेशन की वजह से ही हुआ था। नंबर 10, दुनिया के उद्योगपतियों में से एक बिजनेसमैन रतन टाटा अपने काम के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। रतन टाटा ने गत दिनांक 28 दिसंबर 2021 को अपना 84वां जन्मदिन मनाया। रतन टाटा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल हुए वीडियो में वह कुर्सी पर बैठकर सामने के टेबल पर एक छोटा सा कपकेक काटते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कई लोग सोचे होंगे कि रतन टाटा के साथ केक काटने वाला ये शख्स आखिर कौन है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस लड़के का रतन टाटा से कोई पारिवारिक संबंध नहीं, लेकिन फिर भी रतन टाटा ने अपना जन्मदिन इसके साथ मनाया। असल में वीडियो में दिख रहे इस युवा शख्स का रतन टाटा से खास जुड़ाव है। इस शख्स का नाम शांतनु नायडू है। शांतनु रतन टाटा के पर्सनल सेक्रेटरी है। आज से लगभग 5 साल पहले शांतनु ने एक कुत्ते को सड़क पर एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था। उसके बाद शांतनु को आवारा कुत्तों के गले पर कॉलर बनाने का आइडिया आया। एक ऐसा चमत्कार कॉलर जिससे वाहन चालक दूर से देख सके और कुत्ते तेज गाड़ी के एक्सीडेंट से बच सके। जिसके बाद शांतनु नायडू से प्रभावित होकर रतन टाटा ने खुद फोन करके उन्हें कहा कि आप जो करते हैं मैं उससे काफी प्रभावित हूँ, क्या आप मेरे असिस्टेंट बनेंगे। और तब से शांतनु रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट है। नंबर 9, वर्ष 2008 में जापान के एक शख्स ने नोटिस किया कि उसके फ्रिज में रखा हुआ खाना पिछले काफी समय से कम होता जा रहा है। कई दिनों तक खाने की चोरी पकड़ने की कोशिश के बावजूद जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो तब उसने अपने घर में एक छोटा सा सिक्योरिटी कैमरा लगा दिया और फिर अगले दिन उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल इस शख्स के घर के टॉप कंपार्टमेंट में एक बेघर महिला पिछले एक साल से रह रही थी। जब ये शख्स ऑफिस चला जाता था तो वो तब नीचे उतर कर फ्रिज से खाना निकाल कर खा लेती थी और फिर दिन भर में घूमने के बाद मकान मालिक के घर वापस आने से पहले ही वो वापस उसमें चली जाती थी। नंबर 8, दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इस फोटो में क्या खास है। वेल, इस बड़ी सी गोल चीज के सामने ये लोग खड़े हैं। वो चीज एक पेड़ है और ये कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि यह 1341 साल पुराना सिक्वोया ट्री है। इस पेड़ को वर्ष 1892 में काटा गया था और पेड़ की कटाई के समय इसकी लंबाई 100 मीटर से ज्यादा थी। इस पेड़ को काटने के बाद इन लोगों ने तरह के सामने खड़े होकर ये फोटो खिंचवाई थी। नंबर 7, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। कुछ महीनों पहले ही उन्होंने किरण राव संग तलाक लेने का ऐलान किया था और उसी दौरान खबर आई थी कि वो एक्ट्रेस फातिमा सना शेख से शादी करेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपना 15 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। अब आमिर और फातिमा की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दोनों की शादी होने का दावा किया जा रहा है। अब इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है आइए आपको बताते हैं। इस फोटो में आमिर खान के साथ फातिमा सना शेख दिखाई दे रही है। उनकी मांग में सिंदूर है। दावा किया जा रहा है कि फातिमा आमिर की तीसरी बेगम बन गई। असल में आमिर और फातिमा की ये फोटो रियल नहीं। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें छेड़छाड़ की गई है। असली फोटो में आमिर के साथ किरण राव खड़ी है। किरण के चेहरे पर ही फातिमा का चेहरा लगाया गया है, यानी इसे फोटोशॉप किया गया है। किरण और आमिर की रियल फोटो आकांक्षा अंबानी और श्लोका मेहता की सगाई के दौरान की है। नंबर 6, साल 2015 में एक पिता ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो कर दिखाया जो आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल हुआ यूं कि एक लड़का जो कि हॉस्पिटल में भर्ती था, डॉक्टरों ने उसे बिना सही जांच के ब्रेन डेड घोषित कर दिया और उसे लाइफ सपोर्ट से हटा दिया। ऐसे में पिता ने अपनी बेटे की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस पर बंदूक तान दी, जिस पर मजबूर होकर डॉक्टर्स ने दोबारा से लड़के को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया और पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस के आने के बाद भी पिता ने अपने बंदूक को नीचे नहीं किया और तब तक नीचे नहीं किया जब तक कि उनके बेटे ने अपने हाथों से अपने पिता की हथेली को नहीं पकड़ा, जिसके बाद पिता ने सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उन्हें जेल में भेज दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटे का क्या हुआ, तो बता दें कि उनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। बेटे के ठीक होने के बाद पिता को अपने बेटे से मिलने के लिए रिहा भी कर दिया गया। नंबर 4, अमेरिका के दो वकीलों ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच में एक हैरतअंगेज घोटाला किया। इन्होंने सबसे पहले पोर्नोग्राफिक फिल्म्स के अधिकार लिए और उनकी कॉपीज को दी पायरेट बे पर शेयर कर दिया और फिर उन लोगों को मुकदमा चलाने की धमकी दी जिन्होंने कॉपीराइट उल्लंघन के तहत इन फिल्मों को डाउनलोड किया था और उनसे $3,000 यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए की मांग की। लेकिन उनका ये घोटाला जल्द ही सामने आ गया।
के एड्रेस के बाद उन्हें पकड़ा गया और 14 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 4, दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जहां चाह वहां राह, इसी कहावत को सच कर दिखाया गैब सोनियर ने। यह साल 1985 की घटना है जब गेब पोर्ट बारे लुजियाना के एक प्राइमरी स्कूल में चौकीदार थे। स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल ने जब गैब की मेहनत और लगन को देखा तो उन्होंने गेब से कहा कि वो उन्हें एक शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं। जब उन्होंने ये बात गेब को कही तो गेब उस समय 39 साल के थे। गेब पर उनकी बातों का इतना प्रभाव पड़ा कि गेब ने अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी और जल्द ही अपनी मेहनत और लगन से वे उसी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल बने जहां उन्होंने चौकीदार के रूप में काम किया। नंबर 3, वर्ष 1997 में अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ अमेरिका घूमने आई डेनमार्क की एक महिला को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब यह महिला एक रेस्टोरेंट में अपने पति के साथ डिनर कर रही थी। उस समय इसने अपने बच्चे को रेस्टोरेंट के बाहर ही छोड़ रखा था क्योंकि डेनमार्क में बच्चों को दुकानों और रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ना बिल्कुल नॉर्मल है और इस महिला ने भी अपने देश के अनुसार नॉर्मल काम ही किया। गिरफ्तारी के बाद इस महिला के कपड़े उतार कर पूरे शरीर की जांच की गई। बाद में इस महिला को रिहा तो कर दिया गया लेकिन इसने अपने साथ हुई कार्यवाही के खिलाफ अदालत में केस करते हुए मुआवजे की मांग कर डाली। अदालत ने इस महिला की अपील को एक्सेप्ट करते हुए 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिलवाए। नंबर 2, अब अगले फैक्ट में नताशा कैंपुश के संघर्ष की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नताशा एक ऑस्ट्रेलियाई महिला है जिसे साल 1998 में 10 साल की उम्र में कार में खींचकर अगवा कर लिया गया था। उसके किडनैपर वॉल्फगैंग प्रिकोपिल ने उसे एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया और 8 साल तक उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया था। साल 2006 में नताशा मौका पाकर भाग गई और वो किसी अनजान घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाकर खड़ी हो गई। घर में रहने वाले शख्स ने जब दरवाजा खोला और चूंकि नताशा की किडनैपिंग बहुत ही बड़ी मिस्ट्री में से एक थी जो न्यूज चैनल्स और अखबारों में सुर्खियों में रही थी, तो इसीलिए वो शख्स इसे पहचान गया और फिर पुलिस की मदद से वो सुरक्षित अपने घर पहुंचने में कामयाब रही। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन का इन्वेंशन कब और किसने किया था? साल 1994 में IBM ने टच स्क्रीन और ईमेल के साथ एक सेलफोन जारी किया था। इस फोन का इस्तेमाल करके फैक्स भी भेजे और प्राप्त किए जा सकते थे। ये पैगर के रूप में भी काम भी कर सकता था। इसके विशेषताओं और क्षमताओं के कारण इसे दुनिया का पहला स्मार्टफोन माना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।